डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारा सिर्फ आधार देख के कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर ले रहे हैं सब बस। अच्छा, आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं, सिर्फ आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर ले जाना है बस, और बाकी डॉक्यूमेंट्स? बाकी डॉक्यूमेंट चेक कर ले रहे हैं बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओटीपी नहीं आ रहा है? हाँ, ओटीपी वाला मोबाइल नंबर ही ले जाना है, उसके बिना नहीं होगा। अंदर में सारा कुछ सही है? हाँ, सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माँ दुर्गा की कृपा है कि आज सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, वो सब चिंता नहीं है? नहीं, हाँ, तो दर्शन हो गया ना, तो फिर क्या? मेरा दो दिन से मैं इसी के मतलब टाइम ऐसे के मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आधार में जाके वो लिंक करवाए थे? मेरा पहले से था, ये डॉक्यूमेंट्स में केएम था, आधार में केएम नहीं था, उसके वजह से वो दोनों मैच नहीं कर रहा था, वो टीपी नहीं आ रहा था, तो वो बीपीएससी ने नया कोई आदेश जारी किया कि अब आधार नंबर के बेस पे ओटीपी आएगा। अच्छा, तो उसके वजह से आज मेरा हो गया मतलब। अच्छा, कितना समय लगा अंदर में? आज तो ज्यादा समय नहीं लगा, 10 से 15 मिनट लगे बस। मतलब आज समय नहीं लगा, पहले भी आई थी यहाँ? यस मैम, पूरा उस दिन पूरा दिन ही निकल गया, तो हो नहीं पाया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीपीएससी का रिजल्ट आया और आज वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है गर्दनी बाग हाई स्कूल में, और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ। आपको मैं पहले भी दिखाई कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स बाहर में इंतजार कर रहे हैं, जो परेशानी उनकी हो रही है वो भी वो बता रहे हैं। लेकिन अब हम आपको उन लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स, और क्या कुछ अंदर परेशानियाँ आई हैं या नहीं आई हैं, ओटीपी में क्या उनके साथ समस्या है, ये सारा जानकारी आपको एक एक करके ये लोग बताएंगे। आप सुनिए। क्या नाम है आपका? श्वेता पाल। अच्छा, कुछ परेशानी हो रही है? नहीं मैम नहीं। कितना टाइम लगा? 10-15 मिनट लगा पूरा। अच्छा, कौन से ये वाला है आपका? क्या मतलब उनसे फाइल? हाँ, पीआरटी के लिए है मेरा। अच्छा, ओटीपी के लेकर? यस मैम, मेरा इशू था, मेरा क्योंकि 20 को था, नहीं हो पाया था, ओटीपी नहीं आया था, क्योंकि आधार में केएम नहीं था और सारे डॉक्यूमेंट्स में केएम था, उसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा था। अभी 22 को ना एक नया नोटिस जारी हुआ था बीपीएससी की तरफ से, उसमें ना आधार के बेस पे ओटीपी आ रहा था, उससे हुआ, आज हुआ मेरा। तो आधार के बेस पे ओटीपी जो है आपका लिंक था? हाँ, मोबाइल नंबर से था। हाँ, 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 तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसी का सुन रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है? हाँ मैम, वो मेरा दो दिन से मैं इसी के मतलब टाइम वैसे के मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आधार में जाके वो लिंक करवाए थे? मेरा पहले से था, ये डॉक्यूमेंट्स में केएम था, आधार में केएम नहीं था, उसके वजह से वो दोनों मैच नहीं कर रहा था, वो ओटीपी नहीं आ रहा था, तो वो बीपीएससी ने नया कोई आदेश जारी किया कि अब आधार नंबर के बेस पे ओटीपी आएगा। हाँ, तो उसके वजह से आज मेरा हो गया मतलब। कितना समय लगा अंदर में? आज तो ज्यादा समय नहीं लगा, 10 से 15 मिनट लगे बस। मतलब आज समय नहीं लगा, पहले भी आई थी यहाँ? यस मैम, पूरा उस दिन पूरा दिन ही निकल गया, तो हो नहीं पाया था। अच्छा, तो आज हुआ है, कहाँ दिया है आपको? ये पटना सिटी सेंटर। पटना सिटी? होटल सिटी, होटल सिटी सेंटर पटना। बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू मैम। क्या नाम है? क्रांति पटेल। क्रांति पटेल कहाँ पर ये गया ट्रेनिंग के लिए? बिटहा। हाँ, अंदर क्या कुछ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारा सिर्फ आधार देख के कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर ले रहे हैं सब बस। अच्छा, आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं, सिर्फ आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर ले जाना है बस, और बाकी डॉक्यूमेंट्स? बाकी डॉक्यूमेंट चेक कर ले रहे हैं बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओटीपी नहीं आ रहा है? हाँ, ओटीपी वाला मोबाइल नंबर ही ले जाना है, उसके बिना नहीं होगा। अंदर में सारा कुछ सही है? हाँ, सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था है बैठने बैठने की अच्छे से। ठीक, थैंक यू। ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है मैम, मेरे साथ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, कम मुश्किल से आधा घंटा में हो गया। हाँ, खुश तो है, कौन खुश नहीं रहेगा, कितना दिन का इंतजार है ही। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि पर त्योहार का समय है और ऐसे में ट्रेनिंग दे रहा है और वेरिफिकेशन के लिए और है। अच्छी बात है ना, किसका इंतजार नहीं रहेगा, माँ दुर्गा की कृपा है कि आज सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, वो सब चिंता नहीं है? नहीं, हाँ, तो दर्शन हो गया ना, तो फिर क्या? अच्छा, ओटीपी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ऐसा मेरे मतलब जिस रूम में मैं था वहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किन्हीं के साथ। मुख्यमंत्री जी के लिए खुश हैं? एकदम बिल्कुल, पहले बहुत आवाज बुलंद हो रहा था सबका। यस मैम, चलिए ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया? हाँ जी, वेरिफिकेशन। क्या नाम है?
मनीषा कुमारी। मनीषा, क्या क्या मतलब वेरिफिकेशन में वहाँ पर उसके दिया जा रहा, क्या क्या? जो आप आयोग में एग्जाम के फॉर्म भरते वक्त जो डाले थे ना, वही सब चाहिए। उसमें सिर्फ वाटरमार्क रहना चाहिए, वही वही वैलिड हो रहा है वहाँ पे, और कोई नहीं। वही जमा भी ले रहे हैं। कितना समय लगा? बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, एक दो घंटे में ही सब हो गया। जाते ही मतलब कितने जगह से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को, एक ही जगह बता रहा? नहीं, तीन चार टेबल है। पहले पहले कागज देखते हैं, उसके बाद मैम, एक मैम बैठी थी, वो पूछी कि कहाँ जाना है, वो फिर बताएं कि हमको कहाँ जाना है, सेंटर चूज किए। उसके बाद आगे आधार में, जो बिना आधार का भी काम नहीं होगा, आधार मोबाइल लिंक रहना चाहिए, वो सारा कुछ हो गया। हाँ जी, कहाँ दिया है? बख्तियारपुर दिया है। बख्तियारपुर, तो मतलब आधार कार्ड ये में था पहले से? नहीं, लिंक था, तो वही लिंक करवाने के लिए फिर जाना पड़ा कल आए पटना। अच्छा, तो कितना समय लगा? नहीं, वहाँ जल्दी ही हो गया। हो रहे हैं कोई कोई की 24 घंटा? नहीं, हम मतलब कि वहाँ से करवा के निकले 5 बजे और ट्रेन पर बैठे हैं 6 बजे, वही उसी वक्त हो गया था मेरा। अब कब से वहाँ पर जाना है, ज्वाइन करना है? अभी तो ट्रेनिंग में भेजेगा ना। ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए भी तो कोई कुछ बताया नहीं, सिर्फ बोला कि जाकर रिपोर्ट करिए। अब तो तो आपने सुना, देखिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। हालांकि पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई पर्व त्योहार का समय है और ऐसे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वेरिफिकेशन के लिए दूर दूर से हम लोग पर्व त्योहार के समय छोड़कर आ रहे हैं, काफी समस्या हो रही है। लेकिन बच्चों का कहना है कि काफी लंबा समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे और अच्छी बात है, माँ दुर्गा का कृपा हमारे पर बनी हुई है और पर्व हो, त्योहार हो या जो भी हो, लेकिन हम लोगों को नौकरी मिल गया, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। काफी खुश है अभ्यर्थी और चेहरे पर साफ तौर पे से उनकी खुशी देखी जा रही है। चलिए, आपने सुना कि किस तरह से वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, क्या समस्याएं हो रही है, और ये समस्या आप लोगों के साथ ना हो, ये आप इसका ध्यान रखिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।